मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। इंतजार की खड़िया खत्म। मेरे साथ मिलकर, अच्छा मैं यहां से बोलूंगा, आपने वहां से रिपीट करना, उसी देर में तार लग जाएगी। आपने मेरे साथ मिलकर बुलाना है कप्तान को। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पहले से ज्यादा खतरनाक है आप, इंपोर्टेड हुकूमत के लिए तूफान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, वजीर आजम इमरान खान है आप। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या कराबदो या करस्ताइन। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आज आपके सामने छह सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए, मेरी जिंदगी के कम से कम 20-25 साल खेल के ग्राउंडों में मुकाबला करने में गुजरे। दुनिया की टॉप टीम्स का मैंने मुकाबला किया, सारी दुनिया में खेला और हार जीत समझी। तो मैं आज जो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं, सुन लो कि मैच लाहौर से सुने नौजवानों, आप ये मेरी सी क्रिकेट की जरा क्रिकेट का एक सबक भी सीख लें और मुकाबले का भी एक सबक सीख लें, क्योंकि ये बाकी जितने भी सियासतदान हैं इनको तो किसी को ये सारे मिलिट्री की नर्सरी के अंदर पले हुए हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान का मिनिस्टर 8 साल रहा और नवाज शरीफ जनरल जलानी के घर पे सरिया लगाते लगाते वजीर आला बन गया। लेकिन मैंने 26 साल अवाम के अंदर घुस के सियासत करके और इधर पहुंचा हूं मुकाबला करके। तो मुकाबले का, मेरी खेलों की ग्राउंडों के मुकाबले का एक तजर्बा है। मैच खत्म होने से पहले ही कई दफा कप्तान को पता चल जाता है कि आप अगली टीम जीत नहीं सकती। अभी मैच जारी होता लेकिन कप्तान को पता चल जाता है कि वो अब मैच जीत गया। मेरे पाकिस्तानियों, हम पाकिस्तान का मैच अल्लाह के फजल से जीत चुके हैं। इस्लामाबाद में वो बैठे हुए हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं। इस वक्त ये आप की जो तस्वीरें जा रही हैं, इस्लामाबाद काम पे टांग रही हैं, पसीने आ रहे हैं और मैं आज अपनी कौम के सामने, मैं आज अपनी सारी कौम के सामने ये कहना चाहता हूं कि मुझे पहली दफा पाकिस्तान में हकीकी आजादी नजर आ रही है। कायदे आजम ने अंग्रेज से आजादी दिलवाई, हमने इंसाफ से, कानून की बालादस्ती से लोगों को उनके हकायक देके, हमने रूल ऑफ लॉ, सब इंसान कानून के सामने एक बराबर, हमने इसको हासिल करके अपनी कौम को हकीकी आजादी दिलवानी है। आज हमारे पाकिस्तानी जाते हैं बाहर इस सारे इलाके से, मेहनत कष्ट जाके वहां नौकरियां ढूंढते हैं यूरोप में। क्यों जाते हैं वहां? और कुछ पैसे बांट रहे हैं?
इसलिए वहां जाते हैं उन मुल्कों में उधर कानून की बालादस्ती इंसाफ है और जब इंसाफ होता है तो खुशहाली आती है। तो हमारी जो जंग है, हमारी जंग ये जो ताकतवर टोला मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ, जिसके लिए एक कानून, अवाम के लिए दूसरा कानून, और ये अरबों रुपए की चोरी करके एनआरओ ले रहे और बेचारे आम लोग वो इंसाफ ढूंढते फिरे, कचहरियों में ठोकरे खाते फिरे, जमीन पे कब्जा हो जाए, कब्जा छुड़वा न सके, क्योंकि ताकतवर के सामने कमजोर पे बस है। तो हम जो चाह रहे हैं हकीकी आजादी, वो तब आती है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में जाके सबसे पहली चीज इंसाफ कायम किया। याद रखो, पहले इंसाफ आया फिर खुशहाली आई। पहले इंसाफ, इंसाफ ने इंसानों को आजाद किया और फिर उन आजाद इंसानों ने दुनिया की इमामत की। गुलाम 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 रहते हैं, गुलाम चूंटियों की तरह जमीन पर रेंगते हैं, सिर्फ इन आजाद इंसानों की परवाज ऊपर होती है। इकबाल का शाहीन आजाद होता है। गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए हमें आजादी चाहिए, इंसाफ चाहिए। तो मैं आज इधर खड़ा होकर छह सवाल पूछने लगा हूं, मुझे इन छह सवालों के जवाब चाहिए। सवाल पे पहला सवाल कि जब वो अमरीकी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान एम्बेसडर आसिफ मजीद को वॉशिंगटन में जब धमकी दी कि इमरान खान को अदम एतमाद में हटाओ, नहीं तो हम पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा कर देंगे, मेरा पहला सवाल यह है कि जब मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, एम्बेसडर मेरे नीचे था, एम्बेसडर मेरे नीचे था, तो सवाल मेरा यह है कि वो किसको पैगाम दे रहा था? प्राइम मिनिस्टर मैं था, किसको वो डोनाल्ड लू कह रहा था कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, अरशद शरीफ शहीद, कौन उसको धमकियां दे रहा था? किसने उसको मजबूर किया मुल्क से बाहर जाने के लिए? उसके बाद दुबई से किसने मजबूर किया दुबई को छोड़ के जाने से? और तीसरी चीज कि वो कौन था जो उसको मुंह बंद करना चाहता था? वो जब ये जो रिजीम चेंज इसकी साजिश को बेनकाब कर रहा था, तो वो कौन थे जो उसका मुंह बंद करना चाहते थे? और तीसरी चीज, तीसरा सवाल कि सहाफियों को कौन धमकियां दे रहा है? कौन है जो सहाफियों का मुंह बंद करना चाहता है? कौन आजादी राय से खौफजदा है? वो कौन है, वो कौन है जो चाहते हैं कि इस मुल्क में मीडिया आजाद ना रहे? वो कौन है जो सहाफियों को धमकी दे के चार सहाफी अब तक मुंह से बाहर चले गए, तीन सहाफियों को मारे पड़वाइए, एक को जेल दिए, FIR कटवाइए? तो मेरा सवाल ये तीसरा कि वो कौन है जो इस मुल्क में हमारी आजादी लेना चाहता है, हमारी आवाज बंद करके
चौथा वो कौन है जिन्होंने आजम खान स्वाती सेनेटर 75 साल उसकी उम्र, उसको पहले बच्चों के उसके पोते और पोतियों के सामने मार पड़वाई और उसके बाद उसको नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया, वो कौन है? वो कौन है जो एफआईए को कह रहा था, ऑर्डर दे रहा था एफआईए को, वो कौन था? और वो कौन था जो शहबाज गिल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, उसको उन्होंने नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया? कौन थे वो? पुलिस कहती है कि हम नहीं थे, हमें पीछे से ऑर्डर आए। कौन ऑर्डर दे रहा था? और वो कौन है जो टेलीफोन कर करके नामालूम नंबरों से धमकियां देते हैं लोगों को? कौन है वो? वो कौन है जो कहते हैं कि तरीके इंसाफ से दूर रहो नहीं तो हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे? वो कौन है? और मैं ये पूछना चाहता हूं, वो कौन है जो ये चोरों डाकुओं को हमारे ऊपर मुसलत किया हुआ है जिन्होंने? और वो सवाल पूछता हूं मैं कि क्या ये इसलिए पाकिस्तान बना था? इसलिए पाकिस्तान बना था, इसलिए कायदे आजम ने जद्दोजहद की थी और इलामा इकबाल ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अजीम ख्वाब जिसका नाम पाकिस्तान था, क्या ये इसलिए बना था कि इसका इंटीरियर मिनिस्टर 18 कत्ल करने वाला कब्जा ग्रुप राणा सनाउल्लाह, क्या इसलिए बना था कि पकौड़ा मफरूर मुजरिम लंदन में बैठ के अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे हमारे ऊपर हमें ऑर्डर करे, इस मुल्क में फैसला करे कि आर्मी चीफ कौन बनेगा? और क्या इसलिए ये मुल्क बना था कि उस बाप और उसके दो बेटों को सजा होने वाली थी 16 अरब रुपए के एफआईए केस में और उसको केसेस उसके खत्म करके उसको एक मिनट चुप चुप उसको केसेस खत्म करके बाप और बेटों के और उसको इस मुल्क का वजीर आजम बनाया, इसलिए पाकिस्तान बना था? क्या इसलिए बना था कि आसिफ जरदारी जो 30 साल से मुल्क को लूट रहा है, जेलों में गुजारा है उसने, अभी फेक बैंक अकाउंट में अरबों रुपए की करप्शन के केस है उसके, और वो आके मुल्क में फैसले करे कि आर्मी चीफ कौन होगा, इलेक्शन कब होगी, क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल इन डाकुओं के हाथ में है? बताओ। और क्या हमारी ये किस्मत है कि सरकार इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर बने जिसने मैजिस्ट्रेट के सामने उसने गवाही दी सन 2000 में कि मैं इसहाकदार शरीफ खानदान के पैसे चोरी के पैसे मनी लॉन्डर करके बरतानिया भेजता था, ये फाइनेंस मिनिस्टर है। मुझे मेरी कौन एक बात बताओ, हम सब सबसे दुनिया के अजीम लीडर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसके उम्मत हैं और उसने कुरान के अंदर हमें बताया कि अल्लाह का हुक्म है हमें अमर बिल मरूफ व नहीं अनिल मुनकर, कि हमें हुक्म दिया
कि आज झाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जहाद करो, ये अल्लाह का हुक्म है हमें। और क्या इन चोरों को ऊपर बैठा के और हमें कहें कि हम इन चोरों की क्यादत मान लें? मैं इनसे पूछता हूं, हम जानवर हैं, हम भेड़ बकरी हैं, हम गाय भैंसे हैं, हम इंसान हैं, हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम अमर बिल मरूफ पर चलने वाले, हम कभी इन चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। बताओ पाकिस्तानियों, इन चोरों को तस्लीम करोगे? हम मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि मैं आज नहीं, मैं हर बार इस मार्च पे ऐलान करता रहा हूं कि अगर इन चोरों के नीचे, इन चोरों के नीचे हमने गुलामी कर ली है, मेरे लिए मौत बेहतर है, इससे बेहतर है मर जाओ, क्योंकि इनकी गुलामी करने से ज्यादा जिल्लत क्या हो सकती है, बेहतर इंसान मर जाए। मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। कोई ये गलत फहमी ना समझे कि वहां जाके, इस्लामाबाद जाके हमारा ये तहरीक खत्म हो जाएगी। ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। और मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा कि जनाब हम न्यूट्रल हैं, हम गैर सियासी हैं। तो मेरा सवाल यह है कि अगर आपने फैसला कर ही लिया न्यूट्रल होने का और गैर सियासी का, तो क्या चीज आपको रोक रही है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने में, ताकि अवाम फैसला करे, अवाम फैसला करे इस कौम की क्यादत कौन करे? क्या चीज आपको रोक रही है? ये मेरा छठा सवाल है। और मैं आज आप सबसे हल्फ लेना चाहता हूं, मैं आप सबसे हल्फ लेना चाहता हूं। पहले तो मैं यहां सियालकोट से भी आए हुए हैं हमारे शेर टाइगर यानी के, शेर को तो वो नवाज शरीफ ने बुरा नाम दे दिया, इसलिए मैं टाइगर कहता हूं अपने लोगों को। और कच्छर इधर के भी आप सबको मैं आपका शानदार इस्तकबाल का शुक्रिया अदा करता हूं। और अब एक बहुत 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 आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरह का आज आपने मुझे इस्तकबाल दिया। मैंने आप सबसे एक हल्फ लेना, मेरे साथ आपने हाथ उठा के हल्फ लेना, अपने अपने मोबाइल फोन की लाइट ऑन कर दें, पीछे तक सब हाथ ऊपर कर दें। मैं यहां से पढ़ूंगा, आपने वहां से बाबा से बुला, उसको रिपीट करना है। अभी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे, हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, और हम हकीकी आजादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर।